पहले हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे चलो तो, तो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम टिक फ्रीक्वेंसी प्रेशर फिर दूसरा क्वेश्चन एंगुलर स्पीड एंगुलर एक्सलेशन टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्सिया और ये आंसर को सामने डिस्प्ले कर दे रहे हैं। हम लोग वेरीफाई भी करते जाएंगे कि आंसर क्या आ रहा है तो पहला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम को सिंपली हम लोगों ने P इज इक्वल टू एम वी से रिप्रेजेंट किया m मास हो गया और वेलोसिटी एल टी माइनस वन हो गया तो रिजल्ट हमारा एम एल टी माइनस वन हो जाएगा तो फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया बी कहता फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता रेसिप्रोकल ऑफ टाइम तो एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन तो सिंपल टी माइनस वन बी भी आ गया बी का भी आंसर आ गया हमारा अब सी कहता प्रेशर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया फोर्स एम एल टी माइनस टू हो गया एरिया हमारा एल टू हो गया तो so फाइनली ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो गया तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू ये भी हमारा आ गया सी बी आंसर ठीक है, चल अब सेकेंड क्वेश्चन आ जाए हम लोग ऐसा कलर ले जो कि दोनों में कॉमन हो जाए तो सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड में क्या था एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड को हमने बता रखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम थीटा, नो no डायमेंशन इसलिए सिर्फ टी का वन बाई टी मींस टी माइनस वन तो सेकेंड का भी आंसर आ गया सेकेंड का ए कहता एंगुलर एक्सलेशन अल्फा ओमेगा बाई टी तो ओमेगा का टी माइनस वन और ये टी ये दे देगा t माइनस टू तो यहां भी b का t माइनस टू हो गया t का था टॉर्क सब हम लोग पढ़ चुके हैं तो टॉर्क हमने यहां पर फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है टॉर्क का f इन टू आर वहां दे भी रखा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स एम एल टी माइनस टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल हो गया तो ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ये भी आ गया सी अब डी कहता मोमेंट ऑफ इनासिया मोमेंट ऑफ इनासिया इक्वल टू मास इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस होता है तो मास को एम से रिप्रेजेंट किया और ये एल टू हो गया तो फाइनली एम एल टू हो गया डी भी आ गया आंसर हो गया चलो एक बार देख लो जल्दी से फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन करा दिया है बिल्कुल ये ऑलरेडी हमारे उसमें भी है पीडीएफ में भी है फर्स्ट सेकेंड में कहीं डाउट नहीं होगा सिंपल लीनियर मोमेंटम फ्रीक्वेंसी प्रेशर पढ़ा रखा है एंगुलर स्पीड एंगुलर एक्सलेशन भी पढ़ा रखा है मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो, तो फर्स्ट तो और सेकेंड में कोई डाउट नहीं हो गया तो फॉर सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट चलिए अब थर्ड आ जाए फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक परमीएबिलिटी अब इन सब का डायमेंशन फाइंड करना है तो पहला हमारा थर्ड में ए है इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ऑलरेडी यहां पर क्वेश्चन में के साथ हिंट भी दे रखा है तो ए फिजिकल टू क्यू लिखा भी है अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स बाई चार्ज फोर्स को लिख देते हैं एम एल टी माइनस टू चार्ज होता है एम्पियर टाइम तो यहां पर ये रिजल्ट आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन चेक करो ठीक है नोट कर लो फिर आंसर भी हम लोग वेरीफाई करते जाएंगे हो गया तो आंसर को वेरीफाई भी कर लें। देख लो थर्ड का आंसर ये अब आ जाए थर्ड का ए हम लोगों ने बना लिया अब बी पर आ जाए थर्ड के बी पर बी कहता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला दे रखा एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी एफ हो गया फोर्स एम एल टी माइनस टू चार्ज को लिख देते हैं एम्पियर टाइम वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन एल और एल कैंसिल हो गए तो क्या बचा भाई एम टी नीचे से कैंसिल हो गया ऊपर बचा टी माइनस टू और ए माइनस वन या आई लिखो कुछ भी लिखो एक ही बात है तो बी का भी आंसर आ गया हो गया अब सी सी कहता है कि एक इंफाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इसमें करंट आई का फ्लो है और यहां पर किसी पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस ए हम फील्ड निकालते हैं तो इस फील्ड का वैल्यू होता है मी नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर या टू आई बाई ए अब इसी में म्यूनॉट है इसी म्यूनॉट को मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं म्यू म्यूनॉट है तो यहां से हमको ये तो पता है फोर पाई का डायमेंशन नहीं होगा टू का नहीं होगा तो म्यूनॉट का डायमेंशन निकालेंगे तो बी इंटू ए डिवाइडेड बाई आई और बी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं पहले वाले पार्ट सेकेंड पार्ट में तो बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया एम टी माइनस टू ए माइनस वन और ये एल हो गया ये आपका ए बन गया सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एम टी माइनस टू ए माइनस टू और एल तो इसको सीक्वेंस में लिखना चाहिए ऐसे ही लिख देंगे एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू तो ये हमारा सी भी आ गया हो गया तो क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट है अब फोर्थ पर आ जाए हो गया यहां तक चलो फोर्थ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फोर में पहला कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो डाइपोल का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मानस क्यू प्लस क्यू और इन दोनों के बीच का सेपरेशन टू ए तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते यहां लिखा भी है टू ए या डी ले लें एक ही बात टू ए ले लो या डी ले लो तो डाइपोल मोमेंट पी होता है क्यू इन डी क्यू का मतलब एम्पियर इंटू डी का मतलब डिस्टेंस तो ये बन गया एल टी ए या एल टी आई बात एक ही है तो फोर का ए यही आ गया आंसर अब इसी तरह से बी पार्ट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बी के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहता है बी तो यहां पर एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ साउथ पोल और यहां के बीच का एक या सिंपली आप मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकाल लें या एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप करंट को एम्पियर से या आई से रिप्रेजेंट करें और एरिया को एल टू से ये सिंपल एल टू आई लिखो या ए लिखो तो बी का भी आंसर आ गया हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या था फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लांट्स कॉन्स्टेंट पढ़ा रखा आपको आंसर भी हम लोग देख लेंगे वेरीफाई करेंगे आंसर भी तो प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा रखा है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन तो इज इक्वल टू एच न्यू एच प्लैंक्स कांस्टेंट तो एच इज इक्वल टू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायमेंशन ऑलरेडी सिखा रखा है एम एल टू टी माइनस टू फ्रीक्वेंसी को हम लोग टी माइनस वन से रिप्रेजेंट करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा ये एम एल टू टी माइनस वन तो फाइव का आंसर चेक करो यही है हो गया अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाए तो सिक्स का पहला पार्ट क्या कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और फॉर्मूला भी दे रखा है तो अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है एम इंटू सी इंटू डिफरेंस इन टेम्परेचर सी ऐसे पहले लिखना चाहिए तो सी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं अब सी का डायमेंशन निकालना है तो क्यू बाई एम इंटू डेल्टा थीटा क्यू अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है इसलिए क्यू का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर हो गया और नीचे मास तुम लोग कुछ कुछ बोलता रहता है और ये कैलवीन के एम और एम कैंसिल हो गया एल टू टी माइनस टू हो गया के माइनस वन हो गया तो सी का डायमेंशन यही चेक करो एल टू टी माइनस टू के माइनस वन हो गया अब इसका बी पार्ट अब बी पार्ट क्या कहता है बी पार्ट में ओफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहता है जैसे मान लो एक वार है इनिशियली इसका लेंथ एल नॉट है टेम्परेचर बढ़ाया तो वायर का लेंथ बढ़ गया तो रूल कहता है कि जो इंक्रीज इन लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर तो यहां पर ये एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग अल्फा यूज करते हैं और इसी को हम लोग अल्फा को कहते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये प्रोपोर्शनिटी का साइन ही है सिंबल अल्फा है एल नॉट डेल्टा थीटा तो अल्फा इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट डिवाइड बाय एल नॉट इनटू डेल्टा थीटा ऊपर लेंथ माइनस लेंथ एल हो जाएगा और नीचे का डायमेंशन एल हो गया इसका के एल और एल कट गया तो फाइनली क्या बचा के माइनस वन तो के माइनस वन इसका डायमेंशन आ गया तो बी ये हो गया हो गया चलो अब आ जाओ लास्ट सेगमेंट हमारा सी है तो सी कहता है गैस कांस्टेंट आर तो पी बी इज इक्वल टू एन आर टी होता है तो आर गैस कांस्टेंट है प्रेशर वॉल्यूम बाय एन इनटू टी प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया तो क्या बन गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू होगा प्रेशर का डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन वॉल्यूम एल थ्री और ये एन मोल और ये टी टेम्परेचर कैलवीन तो क्या आ गया एम एल टू टी माइनस टू मोल पर कैलवीन क्या देखो आंसर आ गया सी का भी हो गया चलो क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर भी वेरीफाई कर लेंगे चले सेवन तो आदर्श बनाएगा ये बोला बीता ये सब क्वेश्चन हमको दीजिएगा सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता कहता है टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू ठीक ऑलरेडी है अब डेंसिटी को हमको एफ एल टी के फॉर्म में लाना है तो डेंसिटी डी हो गया मास पर इंट वॉल्यूम तो ये मास और वॉल्यूम एल थ्री हो गया चलो जल्दी से फाइंड करके बताओ हैं हा कैसे फाइंड किया हाँ इससे हम लोगों ने यहां पर सिंपल एल का वैल्यू निकाल लिया तो एफ बाई एम टी माइनस टू हो गया अब ये वैल्यू डाल देंगे एल थ्री तो ऊपर हो गया एफ थ्री और ये ऊपर गया तो एम थ्री और टी माइनस सिक्स हो गया इसको सॉल्व करो एक मिनट एक मिनट हा मास नहीं है ना मास को हम लोगों को कैंसिल करना है इसका कैसे आ गया आंसर अच्छा ठीक हां हाँ, समझ गए मास का वैल्यू पुट कर देंगे एफ बाई एल टी माइनस टू और वॉल्यूम एल थ्री तो ये बन गया एफ बाई एल टी माइनस टू एल थ्री के लिए क्या बन गया वन बाई एल थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो एफ हो गया एल का पावर ऊपर चला गया माइनस फोर और ये टी टू एक आंसर आ गया चलो बी प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया तो ये एफ के फॉर्म में ऑलरेडी है इसलिए इसको रहने देंगे और एरिया को एल टू लिख देंगे तो ये एफ एल माइनस टू हो जाएगा तो बी का भी आंसर आ गया चलो सी इधर मोमेंटम बना रहे मोमेंटम होता पी इक्वल टू एम इन टू तो मास का वैल्यू फोर्स के टर्म में डाल दो एफ बाई एल टी माइनस टू अब वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन एल और एल कैंसिल हो गया तो एफ हो गया और टी का एक पावर ऊपर चला गया तो एफ टी बना टी भी आ गया ठीक है नेक्स्ट आ जाओ डी डी में क्या कहता है एनर्जी तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया एम एल टू टी माइनस टू मास का वैल्यू ऊपर से फोर्स के टर्म में डाल दो तो एफ बाई एल टी माइनस टू हो गया और ये एल टू ए टी माइनस टू टी माइनस टू कैंसिल हो गया एक एल कैंसिल हो गया तो सिंपली आ गया एफ एल तो ये डी भी ऑप्शन हो गया डी का भी आंसर आ गया हो okay. गया चलो अब क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट कहता सपोज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस जी का वैल्यू कहता टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसका वैल्यू सेंटीमीटर में फाइन करना है तो सिंपल टेन मीटर एक मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर तो ऊपर वाला सेंटीमीटर में आ गया और नीचे क्या है सेकेंड है सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो वन बाई सिक्सटी हो गया तो ये मिनट हो गया इसका होल स्क्वायर तो ऊपर चले गए सिक्सटी का स्क्वायर चला गया इनटू वन थाउजेंड यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर हो गया तो ये थर्टी सिक्स हंड्रेड इंटू वन थाउजेंड सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर फाइनली देखो ये कितने आ गए थ्री पॉइंट सिक्स और टेन का पावर यहां कितने आ गए कितना आ जाएगा टेन का पावर जल्दी से बताओ हाँ तो टेन पास सिक्स आंसर है हाँ तो बात तो एक ही है हो गया एट भी आ गया चलो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या था एवरेज स्पीड ऑफ ए स्नेल इज जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो माइल्स पर आवर एंड दैट ऑफ ए लियो पार्ट ठीक उसका भी स्पीड दे रखा है और सारे स्पीड को एसआई SI यूनिट में कन्वर्ट करना है मतलब किलोमीटर मतलब किलोमीटर को मतलब माइल्स को पहले किलोमीटर फिर किलोमीटर से मीटर और मतलब एमके एस में आ जाए मीटर किलो सके मी मतलब एम के एस तो किलोग्राम तो है नहीं तो मीटर में आएगा और सेकेंड में आएगा तो सबसे पहले ये रिलेशन तो आपको ज, जानते हो पहले पढ़े भी होंगे कि एट किलोमीटर इज इक्वल टू फाइव माइल्स होता है पता है कि नहीं खर खरीदते हो कट्ठा का भी पता है कितना स्क्वायर फीट होता है कितना कट बताओ तो यहां से एक माइल एट बाई फाइव किलोमीटर मीन्स वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर होता है अब आपका एवरेज स्पीड स्नेल का दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो माइल्स पर आवर तो पहले तो 0.020 माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 किलोमीटर हो गया वन आवर 3600 सिक्स हंड्रेड सेकेंड हो गए अब फिर आ जाए 0.020 पॉइंट जीरो इंटू वन पॉइंट सिक्स वन किलोमीटर टेन टू दिपा थ्री मीटर तो ये मीटर में आ गया और ये थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड हो गया अब सिंप्लीफाई करो देखो क्या आ रहा है। जल्दी जल्दी बताओ कैलकुलेट करके हाँ तो ट्रेन का पार कैंसिल करके बताओ और ऊपर ट्रेन पार थ्री है और नीचे वाला भी सब कर लिया तो कितना आ गया एट पॉइंट एट इंटू टेन पार माइनस थ्री ऑब्वियसली वन थाउजेंड से डिवाइड तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट एट मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स वैल्यू हमारा आई गया। चलो वैसे ही आप निकाल लो लियोपार्ड का कितना है सेवेंटी माइल्स पर आवर हो okay, गया ये वाला इरेज करें इसको ये वाले पार्ट को तो इसका सेकेंड पार्ट जो है नाइन्थ का सेवेंटी माइल्स पर आवर सेवेंटी माइल्स पर आवर तो सेवेंटी इंटू वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर में और वन किलोमीटर टेन पॉइंट थ्री मीटर और ये थर्टी सिक्स हंड्रेड देखो आ गया अब मीटर पर सेकेंड चलो कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा 7 1 30, है सेवन इंटू वन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई थर्टी थर्टी वन पॉइंट वन मीटर तो ये भी हमारा आंसर आ गया हो गया चलो अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टेन हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन ए बैरोमीटर इन कैलकाटा लैबोरेटरी वॉज रिकॉर्डेड टू बी सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर तो प्रेशर निकालना है तो so प्रेशर होता फॉर्मुला दे भी रखा एच रोजी एच so रोजी मतलब हाइट सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम तो सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर इन टू डेंसिटी अब डेंसिटी हमको लेना है मर्क्यूरी का तो मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्राविटी दे रखा है तो स्पेसिफिक ग्राविटी या रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो डेंसिटी ऑफ टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस तो रिलेटिव स्पेसिफिक ग्राविटी दे रखा थर्टीन पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी निकालना है और वाटर का डेंसिटी दे रखा टेन टू पावर थ्री तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू पावर थ्री हो जाएगा तो so यहां पर मर्क्यूरी का डेंसिटी हो गया थर्टीन पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू दावर थ्री और जी का वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखा 9.8 यूज करना है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा जो कि वन पास्कल के इक्वल होता है यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और सॉरी यहां पर सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम पहले ही लिख देते हैं सेवेंटी सेंटीमीटर है या इसको बाद में पुट कर लेते हैं ठीक है वाला हमारा ऑलरेडी नाइन पॉइंट एट सॉरी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे तो ये मीटर में आ गया थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दीपावर थ्री हो गया इंटू नाइन पॉइंट एट ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वन एटमोसफेयर के बराबर वन इन टेन पावर फाइव होता है जो कि ऐसे राउंड ऑफ करके टेन टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब यहां पर न्यूटन हम लोग पढ़ चुके वन न्यूटन टेन टू पावर फाइव डाइन होता है तो क्या था इसको आप कन्वर्ट करें सीजीएस में तो एमके एस आई में निकाल लिया और MKS. तो नेक्स्ट पार्ट में न्यूटन को टेन टू 5 डाइन कर देंगे और एक मीटर सौ सेंटीमीटर के बराबर इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहां से टेन का पार फोर कैंसिल एक टेन का पावर बच जाएगा तो फाइनली ये टेन टू दिक्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यही हमारा आंसर है क्लियर हो गया आज यहीं तक कराएंगे टेन हो गया और कितने क्वेश्चन रह गए हाँ तो कल हो जाएगा कल ऐड कर देंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी कर देंगे कंप्लीट हो जाएगा चल कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं